नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल रविवार 13 अगस्त को कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। शरद पवार ने कहा कि हमारा स्पष्ट विचार है, बीजेपी से हमारे विचार मेल नहीं खाते। साथ ही उन्होंने अजीत पवार के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग को लेकर कहा कि मेरे घर या किसी और के घर मिलना गुप्त कैसे हो सकता है। एनसीपी प्रमुख ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। शरद पवार ने कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सीनियर पवार ने बिना नाम लिए आगे कहा कि हम में से कुछ ने अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक है देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने अजीत पवार के साथ शनिवार को पुणे में हुई उनकी गुप्त बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे हैं और भतीजे से मिलने में क्या बुराई है। यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजीत पवार पिछले महीने पार्टी से बगावत कर 8 अन्य विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा परेशान करने वाली है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा, विभाजन, नफरत और गुस्से की एक विशेष प्रकार की राजनीति का सीधा परिणाम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसलिए एक परिवार के रूप में सभी को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी को न केवल मणिपुर का जख्म भरने में मदद करने के लिए एक साथ आना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की राजनीति ना फैले और इसे तुरंत रोका जाए। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि जब से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया तब से वह परेशान है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वहां क्या हुआ और मणिपुर के लोगों के साथ क्या किया गया। अपने 19 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जो मणिपुर में अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा है मानो एक व्यक्ति के 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया हो। यह ऐसा है जैसे किसी ने भारत संघ के एक पूरे राज्य को तोड़ दिया हो। हिंसा, बलात्कार और हत्याएं जारी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में तुरंत हिंसा रोकी जाए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि हिंसा के परिणाम स्वरूप जख्मों को ठीक होने में कई साल लगेंगे। यह दुख और गुस्सा इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी आज 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर से रविवार 13 अगस्त को जारी एक बयान में कहा गया कि यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। बयान में कहा गया कि दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण को प्रसारित करेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के मोर्चा संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सत्तारूढ़ टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबूत मांगती हैं। ममता दीदी, आपके पार्थो जी, शांतनु बनर्जी और माणिक भट्टाचार्य जेल में क्यों बंद हैं? आपके करीबी अनुव्रत मंडल और उनकी बेटी जेल में क्यों हैं? वह दिन दूर नहीं जब दीदी की कैबिनेट बैठक जेल में होगी। नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार में कोयला घोटाला, शारदा घोटाला, रोजवैली घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गौतस्करी घोटाला, पीएम आवास में घोटाला, अम्फान राहत घोटाला हुआ कि नहीं, घोटाला मायने टीएमसी का घोटाला और दीदी सबूत मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी दुनिया को डेमोक्रेसी की सीख देती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या उन्हें दिखाई नहीं देती। विधानसभा चुनाव, पिछले पंचायत चुनाव और इस बार के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा इस बात का सबूत है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इस बीच खबर है कि ईडी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। बता दें कि ईडी की ओर से समन झारखंड में कथित जमीन घोटाले को लेकर भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन के पूछताछ के लिए कल रांची स्थित ईडी के ऑफिस में उपस्थित होने की संभावना नहीं है और यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी एक बार ईडी ने सोरेन को तलब किया था। पिछले साल नवंबर 2022 में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी। बता दें कि हेमंत सोरेन दो अलग अलग मामलों में ईडी की जांच के घेरे में हैं। साथ ही बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए थे, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। वह इन तीनों विधेयकों को लेकर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि यह खतरनाक है और अगर यह पारित हो जाता है तो सभी संस्थानों पर केवल सरकार का हुक्म चलेगा। उन्होंने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए रविवार 13 अगस्त को आरोप लगाया कि सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन उसकी सोच यह है कि वह ऐसे कानूनों के माध्यम से तानाशाही लाना चाहती है। वह ऐसे कानून बनाना चाहती है जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट, लोक सेवकों, कैग और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि मैं न्यायाधीश से सतर्क रहने का अनुरोध करना चाहता हूं। अगर ऐसे कानून पारित किए गए तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं आपसे इन विधेयकों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि हम देश का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं, जो कानूनों के माध्यम से लोगों का गला घोट दे और उनका मुंह बंद कर दे। कपिल सिब्बल ने BNS विधेयक का जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि ऐसे कानून वास्तविकता बन जाते हैं तो वे देश का भविष्य खतरे में डालेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने आगे कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विपरीत हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ पर प्रहार करते हैं। उनकी सोच स्पष्ट है कि वे इस देश में लोकतंत्र नहीं चाहते। हरियाणा में पलवल के पोंडरी में कल रविवार 13 अगस्त को हुई हिंदू महापंचायत में 51 लोगों की कमेटी ने मिलकर कई मांगे उठाई हैं। कमेटी के मेंबर रतन सिंह ने कहा कि NIA से नूह हिंसा की जांच कराई जाए, दंगों में जो लोग मारे गए उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। इसके अलावा घायलों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि दंगों में जिसकी दुकान और दूसरा नुकसान हुआ है उसका आकलन वो शख्स खुद करे और सरकार उसे मुआवजा दे। जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। नूह और पलवल का जो भी शख्स सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म लाइसेंस मांगे उसे मिलना चाहिए। साथ ही आर्म फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर मेवात में हो जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। जिन्होंने दंगा किया है उनकी पहचान हो, उनसे नुकसान की भरपाई हो। सरकार से मांग है कि तमाम मुकदमे गुरुग्राम या कहीं और ट्रांसफर हो जिससे दोषियों को जल्द सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि नूह जिले को खत्म कर दिया जाए, इस इलाके को गौ हत्या मुक्त बनाएं और घोषित करें। पंचायत ने निर्णय लिया है कि सभी लोग घर में गाय पालें, निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए और 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूह में हिंसक झड़पें हुई, इसमें 2 होमगार्ड, 1 इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। वह अब इस महापंचायत को मेवात के नूह में हिंसा की वजह से रोकी गई ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।